कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? हाँ, किसने बनाया ये? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आपके हाल चाल? दोस्तों काफी समय हो गया है इंजीनियरिंग फेल्स का अगला पार्ट नहीं आया। अब आपको क्या ही बताएं, बड़ा लोचा हो गया था, लेकिन अब से वीडियो रेगुलर आएंगे। और आज हम इंजीनियरिंग फेल्स वीडियो पार्ट 6 में आपको कुछ ऐसे इंजीनियर और कारीगरों के कारनामे दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी यही कहेंगे, ये तो टट्टी है। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों अब यार कई बार मिस्त्री लोग अपनी तरफ से कुछ अलग क्रिएटिविटी करने की कोशिश करते हैं, हालांकि कई बार वो इस काम में सक्सेसफुल हो पाते हैं, मगर कई बार कुछ बड़े कांड बना देते हैं। अब जैसे कि आप इस घर को देख लीजिए, इस मिस्त्री ने घर का ग्राउंड फ्लोर तो अच्छे से बना दिया, लेकिन फिर जब मकान मालिक ने फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए मिस्त्री को कहा तो जनाब के दिमाग में न जाने क्या ही दौड़ रहा था कि उसने ये बना दिया। भाई साहब क्रिएटिविटी के नाम पर ये क्या है, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। अब जो हमारे आसपास सबसे बढ़िया जगह होती है वो एक पार्क होती है, जहाँ पर सब बच्चे बुजुर्ग और आजकल कपल्स जाकर बैठते हैं और न जाने क्या कुछ करते हैं। हालांकि बच्चे तो यहाँ अकेले ही जाते हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखकर लग रहा है कि इस पार्क में बच्चे खेलने के लिए तो गए होंगे लेकिन फिर वापस मुड़कर नहीं आए होंगे। वाह भाई, इस बंदे का भी क्या दिमाग है जिसने एक गटर के पास ये झूला लगा दिया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे। आपने दोस्तों अब तक काफी सारे नागिन डांस देखे होंगे जिसमें लोग अलग अलग तरीके से अपने डांस मूव दिखाते हैं, मगर दोस्तों क्या आपने कभी नागिन सड़क देखी है? जी हाँ, हम सही कह रहे हैं, क्योंकि इस सड़क की स्थिति हमें एक नागिन जैसी लगी। अरे भाई साहब, ये कौन सा ठेकेदार है जिसने इतना गंदा काम किया है और अब सरकार को इसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाना चाहिए। अब साथियों, यहाँ पर मकान मालिक अपने बाथरूम को और सुंदर बनाने के लिए किसी की बनी हुई पेंटिंग वाली टाइल्स लाया था, मगर इसको लगाने वाले मिस्त्री ने पता नहीं आज शायद भांग के पकौड़े खा रखे थे, इसीलिए तो उसने ऐसा कांड कर दिया। अब कौन सा पार्ट कहाँ लगा हुआ है कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा। साथियों, आजकल ज्यादातर लोगों के घर में बालकनी तो होती है जहाँ वो लोग खड़े होकर चाय पीते हैं और सुबह सुबह पहले पर्दा साइड में कर बाहर का ब्यूटीफुल व्यू देखते हैं, मगर इस मकान वाले की बेचारे की इतनी ज्यादा किस्मत खराब है कि इसके पास बालकनी तो है लेकिन किसी महान मिस्त्री ने उसके बीच में ही दरवाजा लगाने की बजाय दीवार लगा दिया। अब बेचारा ये जब भी पर्दा उठाता है तो पर्दे के पीछे से सिर्फ दीवार दिखाई देती है। अब दोस्तों आप इस तस्वीर को देखिए। जी हाँ, प्लम्बर ने अपनी माशूका के लिए इस घर के पाइप से दिल बना दिया और उसे प्यार का इजहार कर दिया। मेरा दिल भी कितना पागल है। अब ऐसे में दोस्तों इतने अलग तरीके से प्रपोज करने के बावजूद भी कोई भला कैसे ना करेगा, परंतु मकान मालिक भी कह रहा होगा, अरे भैया आशिकगिरी हमारे ही यहाँ दिखानी थी क्या? अब साथियों आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, इस मकान को बनाने वाले मिस्त्री भाई साहब ने मकान में खिड़की रख बालकनी बनाई हुई है, लेकिन अगर इस बालकनी में कोई आएगा तो सीधा भगवान के पास जाएगा, क्योंकि मिस्त्री भाई साहब बालकनी बेशक बना गए लेकिन उसके नीचे की जमीन बनाना तो भूल ही गए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? साथियों आपने शादी में देखा होगा कि दुल्हन अपनी शादी में कैसे तैयार होती है। हाँ हाँ, वैसे भी रोजाना लड़कियां कम मेकअप नहीं लगाती, मगर दोस्तों हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस पब्लिक टॉयलेट को इतना क्यों सजाए रखा है। इस खूबसूरत शौचालय को देखकर हर कोई इसके पास आकर पिघल जाता होगा क्योंकि ये लगी इतना सुंदर है। दोस्तों कुछ लोगों के पास अपने घर को बनाने के लिए बहुत ही कम जमीन होती है, लेकिन उसी को मैनेज कर एक बढ़िया सा आर्किटेक्चर से नक्शा बनवा कर एक बहुत ही बढ़िया घर खड़ा कर देते हैं। और जनाब इस घर को बनाने से पहले ही मकान मालिक ने एक बढ़िया से आर्किटेक्चर से बात की और उसे भी जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो इतनी कम जगह में ऊपर से ऊपर फ्लोर बनाता चला गया ताकि घर के पूरे मेंबर इस घर में फिट हो सकें। लेकिन इतना पतला घर है ये, लोग यहाँ पर बड़ी मुश्किल से सोते होंगे। अब साथियों जो मर्जी हो जाए, हर बंदे को काम करने के लिए कुछ खाने पीने के लिए भी चाहिए होता है। अब जैसे कि आप हमारे इन मिस्त्री भाई साहब को देख लीजिए, जिन्हें काम पर जब बहुत ज्यादा थकान होती है तो ये रात को दारू पीकर सो जाते हैं, लेकिन आज काम कुछ ज्यादा था तो इस मिस्त्री ने अपनी दारू की बोतल अपने साथ में ही बांध ली। लोग कहते हैं, मैं शराबी हूं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार।
दोस्तों अब सरकार ने हर शहर मोहल्ले और गांव में कुछ सरकारी टॉयलेट बनाए हुए हैं, लेकिन भैया अब ये किस महाशय ने सरकारी शौचालय पर कब्जा कर उसमें अपनी दुकान बना ली। लगता है भाई साहब ने बिजनेस में सबको टक्कर दे दिया है। अब इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। खैर दोस्तों अब आप जरा इस तस्वीर को देखिए जिसमें भाई साहब किसी ने अपने टॉयलेट में पंखा लगा रखा है ताकि उसे गर्मी ना लगे। और फिर साथियों आप साइड में देख रहे हैं धोने के लिए भी जनाब ने एक नॉर्मल मग की बजाय केतली को इस्तेमाल में लिया हुआ है। अब बारी है इस शानदार बेमिसाल तस्वीर को देखने की जहां भाई साहब प्लम्बर के लिए 21 तोपों की सलामी होनी चाहिए। अरे भाई कोई टॉयलेट सीट को यहाँ वॉश बेसिन के नीचे कैसे लगा सकता है, ये तो किसी महान बंदे का ही काम होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अब ये कांड भाई साहब किसने कर दिया, इतनी कम जगह में एक शानदार डबल स्टोरी घर तो बना दिया लेकिन दूसरी मंजिल के दरवाजे से अगर कोई रात को पानी पीने के लिए बाहर निकलेगा तो बाद में हॉस्पिटल में ही पड़ा हुआ मिलेगा। अब साथियों लोग अपने घर की कम जगह होने के बावजूद भी उसे दिखने में सुंदर बनाना चाहते हैं। अब इस वीडियो क्लिप में भी इन मकान मालिक भाई साहब ने अपने बाथरूम के अंदर कम जगह में उसे सुंदर बनाना चाहा और टाइल्स लगाकर उसमें कांच का दरवाजा लगा दिया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर उस दरवाजे का कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि इसके बीच में काफी स्ट्रगल करके अंदर बाहर जाना पड़ेगा। अब ये मकान मालिक प्लम्बर को गाली दे या फिर दरवाजा लगाने वाले को, उसे समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पर भी दोस्तों एक नंबर का बेमिसाल काम देखने को मिला। दरअसल यहाँ एक पाइप फिट करना था और प्लम्बर भाई साहब ने इतना भी कष्ट नहीं किया कि वो इस दीवार के साथ लगी हुई ईंट को जरा साइड में कर दे। भाई ने वहाँ पर बैंड डालकर पाइप को आगे बढ़ा दिया और ईंट को वहीं के वहीं रहने दिया। अब साथियों हर गली के किनारे पर गटर बहुत जरूरी है क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इन्हीं गटर के जरिए सीवरेज पाइप तक चला जाता है। मेरे साथियों अब आप जरा गटर को देख लीजिए, इसे देखकर तो लग रहा है कि जैसे ये थोड़ी बहुत बारिश के लिए नहीं बल्कि बड़ी बाढ़ जैसी परिस्थितियों के लिए बनाया गया है। क्या सोच है रे तेरी। दोस्तों वैसे तो हमारे यहाँ इंडिया में कई सारे गाँव के नाम सुनने और बोलने में काफी ज्यादा अजीब लगते हैं लेकिन लोग न जाने कहां से ऐसे नाम सोच कर रख देते हैं। अब जैसे कि आप इस फोटो को देख लीजिए जहां पर एक गांव का नाम बाप है, किसी का बीबी, किसी का साली, ये क्या है, किसी की सहेली, मेरा मतलब सहेली गांव, और किसी की देवरानी। अरे बस कर भाई। नहीं तो वहीं किसी का नाम जेठानी। अरे भाई अब ये कैसे नाम हुए, चलिए देखते हैं। दोस्तों आने वाले कुछ सालों में कहीं गांव के नाम क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन ऐसे ना हो जाएं। इस फोटो में देखने को मिला कि किसी महान पुरुष ने अपने घर के बाहर गड्ढे ना हो जाएं इसलिए पहले ही रोड पर आई एक दरार को टेप लगाकर बंद कर दिया। इस भाई ने तो सड़क को ही अमर कर दिया। दोस्तों कुछ समय पहले हमारे भारत में ज्यादातर वही देसी टॉयलेट सीट सी होती थी मगर अभी ज्यादातर लोगों के घरों में वेस्टर्न टॉयलेट सीट लगी हुई है और इस भाई साहब ने अपना नया घर बनवाते वक्त प्लम्बर को वेस्टर्न सीट ही लाकर दी लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इसे लगाना कैसे है। उसने कुछ इस तरीके से इसे फिट किया कि भैया मकान मालिक ने नॉर्मल सीट से ज्यादा पैसे भी खर्चे और उसे फायदा भी कुछ नहीं हुआ। दोस्तों आप सबको मालूम होगा जब भी हम घर बनाते हैं तो घर कॉलम के सहारे ही खड़ा होता है और इन कॉलम में जब सीमेंट बजरी मिस्त्री डालते हैं तो साथ में डंडा या फिर लोहे का एक पाइप लेकर सीमेंट बजरी को हर कोने तक पहुंचाते हैं। पर ये पता नहीं कौन सा मिस्त्री है जिसे इतनी भी नॉलेज नहीं कि अब हम तो भैया भगवान से यही दुआ करते हैं कि ये घर अच्छे से इस आधे अधूरे कॉलम पर खड़ा हो जाए। दोस्तों अब आप इस फोटो को देखकर इस टीवी को फिट करने वाले मिस्त्री को गाली दे रहे होंगे लेकिन साथियों जरा आगे से ये तस्वीर देखिए कैसे ये टीवी एक एलईडी में बदल गया, घर वालों को पता ही नहीं चला। लेकिन इस मकान को देखकर तो हमें मकान मालिक पर ही तरस आ रहा है जहां इसे बनाने वाले कारीगरों ने ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर कुछ समय में बना दिया और दोस्तों नीचे वाला लेंटर अभी कच्चा ही था। अब इसके चलते एक तरफ ये लेंटर फटता जा रहा है, दूसरी तरफ मकान मालिक का पजामा नीचे से फटता जा रहा है। अब जरा आप एक और कारपेंटर का कमाल देखिए, यहाँ पर मिस्त्रियों ने तो अपना काम सही कर दिया लेकिन फिर जब कारपेंटर की दरवाजा लगाने की बारी आई तो घर वालों ने कहा होगा हमें दरवाजे में कुछ जगह चाहिए जहाँ से हवा इधर उधर क्रॉस हो सके, लेकिन इस कारपेंटर भाई ने तो यहाँ बवासीर ही बना दी। अब अगर यही काम करना था तो भाई दरवाजा ही मत बनाते।
तो साथियों, हमें पूरी उम्मीद है आपको इन कारीगरों के ये बेवकूफाना कारनामे देख मजा आया होगा। अगर हम आपको हंसाने में 1% भी सक्सेसफुल हुए तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपको आपकी स्क्रीन पर 4 वीडियो दिख रहे होंगे, इन्हें भी एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इन्हें बनाने में बड़ी मेहनत लगी है और आपके प्यार की हमें सख्त जरूरत है।